हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रितु आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें एक बार फिर से हिम्मत मिलती है आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी लाने की। तो दोस्तों, आप सभी हेडफोन्स लगा लें और इस स्टोरी का मज़ा आराम से लें। मेरा दावा है कि स्टोरी आपके दिल को छू लेगी। तो दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसलिए इस चैनल पर हम आप सभी के लिए लव स्टोरीज लेकर आते हैं। जिन लोगों ने हमें अपनी लव स्टोरीज भेजी हैं, उन सभी का पूरे दिल से थैंक्स करते हैं। और जो लोग हमें अपनी सक्सेसफुल लव स्टोरीज भेज रहे हैं, उन सभी का इस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी का नाम है आई हेट टीयर्स। मेरा नाम जया है। मैं क्लास 9th में थी जब मेरे भाई की शादी हो गई। मेरे दो भाई हैं, दोनों मुझसे बड़े हैं। और जिनके साथ मैरिज हुई ना, भाभी के साथ, तो उनके फैमिली वालों ने मुझे देखते ही मुझे पसंद कर लिया था। अपने मतलब उनके भाई भाभी से एक छोटा भाई और है उनके, उसके लिए, उसका नाम विक्रम है। सच बताऊँ तो मैं 9th क्लास में थी, मैं बहुत खुश हुई कि मेरी शादी मतलब इस लड़के के साथ होगी। तो मैं मतलब पसंद की नज़रों से हमेशा उसको देखती थी, विक्रम को। और विक्रम भी, मेरे पापा तो वैसे तो टेलर हैं, टेलर का काम करते हैं। और मेरे दो बड़े भाई भी हैं। मेरे जो दोनों भाई हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर हैं दोनों। मम्मी हाउसवाइफ है। हम वैसे अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर मेरे पापा टेलर का काम करते हैं ना, तो इसीलिए लोग हमें इस कैटेगरी में शायद नहीं लेते। पर हम अपनी फैमिली से मतलब आपस में बहुत हमारा प्यार है और हम लोग आपस में खुश हैं। तो मतलब मेरे भाई की जब मैरिज हुई ना, शादी हुई, तो मेरी जो भाभी थी ना, मैं उनके साथ अक्सर उनके घर चली जाया करती थी। जब वो अपने घर जाती थी तो मैं नोट करती थी वो हमेशा हमारे घर की बुराई करती थी, आके मेरे भैया की भी बुराई करती थी। तो वैसे तो भाभी हमारे साथ तो बड़ी अच्छी रहती थी, मीठी मीठी बातें करती थी, लेकिन जब अपने घर चली जाती थी ना, फिर उसका सारा मतलब चेंज ही चेंज होता था। जिसे बोलते ना उनके तेवर चेंज हो जाना, वैसे ही उनके सब कुछ चेंज हो जाता था। बात करने का तरीका मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था। भैया के साथ तो बड़ी अच्छी अच्छी तरीके से बात करती थी, लेकिन जैसे इसकी माँ और इसके बाप इसके सामने आते थे ना, तब ये हमारे घर के बारे में बुराई करती थी। खैर, मैं और जो विक्रम थे वो एक दूसरे को पसंद तो करते थे। जब भाभी अपने शहर जाती तो अक्सर मैं भी उनके साथ उनके घर चली जाती एक दो दिन के लिए। तो मैं और विक्रम में अब दोस्ती हो गई थी। तो हम लोगों ने मौका देख के छत पे गए, हम दोनों ने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लिए। सब लोग हमें नोट करते थे, इसीलिए हमें पता था हम सबकी नज़र में हैं, इसीलिए हम ज़्यादा बात नहीं करते थे सबके सामने। तो जब मैं अपने घर आई तो उसने मुझे कॉल करनी शुरू कर दी, और मैंने भी। शाम को अक्सर मैं अपने कमरे में जाती तो मैं उसके साथ हमेशा बातें करती, या छत पे चली जाती अकेली जब होती तो मैं हमेशा विक्रम से बात करती थी। कभी कभी हम लोग मतलब नाइट में वीडियो कॉल भी करते थे, जैसे सब लोग आपस में बात करते। मैं भी नए नए उसको अपने हेयर स्टाइल दिखाती थी बना के, कि मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के उसको दिखाती थी। तो बस ये तो हमारी पसंद की शुरुआत थी। धीरे धीरे हम लोगों का अफेयर हो गया। अफेयर के बाद हम दोनों को बहुत अच्छी तरह पता था कि हमारी शादी तो होगी होगी, इसलिए हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं था। हम लोग एक दूसरे के साथ खुश थे बस, कि हाँ, कि मेरे को विक्रम मिल गया और विक्रम खुश था इसको जया मिल गई। तो अब हम लोग जब भी मेरी भाभी जाती थी ना अपने घर में, तो विक्रम कहता था मैं ना समोसे लेके आता हूँ, और मैं फटाफट उसकी ना मतलब गाड़ी के पीछे बैठ गई थी। क्योंकि अब हम लोग प्लस वन में हो गए थे, देर हो गई थी, मतलब एक दो साल हो गए थे भाभी को भी तो शादी को, तो हम भी बड़े हो गए थे, प्लस वन में हो गए थे। हम लोग बाहर जाते, समोसे वगैरह लाते, हम लोग तो इन्जॉय करते घर में आके। जो विक्रम थी ना, विक्रम था ना, अब मेरी मतलब इतना ज़्यादा हम दोनों में प्यार हो गया था कि मेरी सांसों में हमेशा विक्रम बहता था, और शायद मैं भी उसकी सांसों में इतने ही करीब थी शायद मैं भी उसकी। तो एक दिन मेरी भाभी की मेरे भैया से बहुत लड़ाई हुई, वो सीधा अपने घर में चली गई। तो नतीजा ये निकला कि मेरे भैया जो थे वो भी गए नहीं उनको मनाने के लिए। 3 महीने बीत गए। अब मैं और विक्रम आपस में बातें करते थे। विक्रम कहता ये मेरी शादी की बात कर रहे हैं, मैं क्या करूं। बस उन्होंने विक्रम की शादी ज़बरदस्ती बड़ी जल्दी उन्होंने करा दी। जैसे उन्होंने एक दो दिन में लड़की देखी तो वैसे ही उसकी शादी करवा दी। मेरे भैया आ गए एकदम ही, उनके घर चले गए,
मतलब अपनी भाभी को, मेरी भाभी को लेने के लिए। तो मेरी भाभी के पास एक बच्चा भी था, तो उन्होंने बहुत कोशिश की ये रिश्ता ना हो ना हो, लेकिन वो माने नहीं, उन्होंने शादी करवा कर ही दम ली। अब मैं और जो विक्रम थे अलग हो चुके थे। सच बताऊँ मैं एक कड़वा सा घूंट पी के रह गई थी, जो अब सारी ज़िंदगी मुझे पीना ही पीना था। ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों मेरी आंखों से आंसू आते रहते थे जब भी मैं उसको याद करती थी। अब मैं चुप सी हो गई थी। मैं हमेशा हिंदी गाने गाने वाली लड़की, खुश रहने वाली, डांस करती थी, अपनी मम्मी को डांस करके दिखाती थी टीवी लगा के। अब ये सब कुछ रह नहीं गया था। मैं बड़ी सीरियस सी हो गई थी लाइफ में, कि ये क्या हो गया, क्योंकि अभी उसकी भी इतनी बड़ी उम्र नहीं थी कि शादी उसकी हो जाए, और मेरी भी नहीं थी इतनी खास उम्र। बस हम दोनों की प्लस टू हुई थी कवर, उसके बाद में एकदम ही इन्होंने विक्रम की मैरिज करवा दी, सिर्फ इस छोटी सी बात पे कि भैया उधर लेने नहीं गए 3 महीने, और बात बढ़ती बढ़ती यहाँ तक आ गई। और जब उसकी शादी हो गई, अब मैं रोती थी घर में अकेली, तो मेरे माँ बाप ने भी, मेरे भाई बहन ने भी, मेरे परिवार ने भी इनका, इनको जवाब देना था। तो उन्होंने एक दूर, मतलब बहुत पुणे का लड़का इन लोगों ने देखा, बहुत दूर का, और इन लोगों ने मेरी शादी करवा दी। और मैं तड़प के रह गई। मैंने कहा इतनी दूर शादी करवानी, कम से कम आसपास ही करा दो, मैं मिलने आ जाऊँ। इतनी दूर कराई कि मैं सोचूं फिर पता नहीं कब आऊँ यहाँ पर। इन लोगों ने ऐसे मेरे साथ किया, और सोना इन्होंने बहुत दिया। मेरे घर वालों ने उन लोगों को जवाब देने के लिए ना कि तुम हमें गरीब बोलते हो, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सोना दिया। लड़के को भी जैसे वो एंटर हुआ, उसको गले में सोने की चेन डाली, अंगूठी डाली और घड़ी डाली, और मेरी सास को भी सोना दिया। बहुत इन्होंने लेन देन अच्छा किया। खैर मैं तो खुश नहीं थी इस शादी से, पर क्या था कि चुपचाप देखना ही था ना, चुप तो रहना ही था मुझे। चिल्ला चिल्ला के थोड़ा ना शादी पे बोल देती कि हाँ विक्रम मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ। विक्रम बार बार मुझे देख रहा था, उसकी भी आंखों में इस बार आंसू थे, लेकिन हम लोग चुप थे। तो विक्रम मेरे भाई के सामने बहुत रोया था, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती थी। उसके बाद में मेरी विदाई हो गई, मैं चली गई। मेरी सास इधर बड़ी खड़क कर थी, सच बताऊँ तो बहुत मेरे से काम लेती थी, पर मैं काम करती थी। मैं शुरू से ही अपनी मम्मी के साथ ना हर काम में हाथ बटाती थी, तो मुझे आदत पड़ गई थी घर का काम करने की। तो लेकिन सास जो थी ना, मेरे से ज़बरदस्ती सब काम कराती थी। चलो कोई बात नहीं, मैं भी कर लेती थी। एक दो बार तो मेरा मिसकैरेज भी हुआ ज़्यादा काम करने की वजह से, पर जो मेरा हस्बैंड था ना, वो हमेशा मेरी सास का ही साथ देता था। सिर्फ मैं इस बात से हार जाती थी उसके सामने। मैंने कहा कम से कम इतना ही मेरे पे रहम कर दे कि तू मेरे ही बन के हो जा, लेकिन वो ऐसा ही रहा। फिर मेरे बच्चे हुए, 2 हुए। मैंने कभी किसी को बताया नहीं कि मैं विक्रम से प्यार करती थी। जब मैं अपने घर जाती थी तो कभी ना कभी मुझे विक्रम की न्यूज़ मिल जाती थी, लेकिन जो मेरे मम्मी डैडी थे ना, वो तो ठीक थे, लेकिन मेरे भाई जो थे ना, उनको नहीं पसंद था कि मेरे कान में कभी विक्रम की बात पड़ जाए या मैं विक्रम का नाम लूँ। वो खिंचते थे उससे, इसीलिए वो मुझे अपने घर बुलाते नहीं थे। तो कोई बात नहीं, मैं बड़ी मुश्किल से अपने घर में, मतलब एडजस्ट हुई थी अब ससुराल में। अब मैं भी कम ही आती थी इधर। विक्रम की न्यूज़ मुझे कभी मिलती नहीं थी, क्योंकि मेरे भाइयों ने सख्त मना किया हुआ था मेरे माँ बाप को कि इसके सामने विक्रम का कभी नाम नहीं लेना। और जो मेरी भाभी थी, मेरा जो उनके साथ, मेरे भाई के साथ शादी हुई थी, वो अलग हो चुके थे, उनको दूसरे घर में चले गए थे। जब मेरे भैया ने मुझे मिलने आना होता था, वो खास अकेले ही आते थे, मेरी भाभी को कभी लेके नहीं आते थे कि कहीं विक्रम का नाम ना इसके कान में पड़ जाए। सिम वगैरह भी मेरे से उस टाइम छीन लिया था फ़ोन, तो मेरी कभी उससे बात नहीं हुई, मुझे कुछ उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। बस समय बीतता गया, मेरे हो गए बच्चे बड़े, बड़ी बेटी की मेरी शादी हुई। उस समय भी मैंने अपने भाइयों को बुलाया, वो भी आए, भाभी इस बार भी नहीं आई। बड़ी कोशिश की मैंने कि भाभी से कैसे कांटेक्ट करूं, पर मेरे भैया जो थे ना, बड़े सख्त थे, बात नहीं होने देते थे मेरी। तो बस फिर मेरे बेटे, छोटा बेटा था, उसकी भी शादी हो गई, मैंने अच्छी जगह पे उसकी शादी करवाई। तो मेरा हस्बैंड जो था, अब वो मेरी बात सुनता था, क्योंकि जो मेरी सास थी वो इस दुनिया में नहीं थी, इस दुनिया छोड़ के चली गई थी। उनके जो पापा थे वो पहले ही नहीं थे जब मेरी शादी हुई। तो जो मेरा हस्बैंड था, अब वो मेरी बात सुनता था, मुझे अब प्यार करता था, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में उसका बहुत साथ दिया था। अमीरी गरीबी में, हर तरह में मैंने उसका, मतलब अप एंड डाउन्स में मैंने साथ दिया था। सच बताऊँ तो मैं जितना हेट करती थी ना टीयर्स, मैं हमेशा अपनी मम्मी को और अपनी फैमिली को यही बोलती थी, आई हेट टीयर्स,
आई हेट टीयर्स, ऐसे नखरे से मैं करके दिखाती थी, उतना ही मुझे ये टीयर्स जो थे ना मेरी आंखों से अब निकलते थे। खैर सब कुछ अब बीत गया था, अब तो ज़िंदगी मेरी बिल्कुल ही बदल गई थी। बस फिर एक बार मैं अपने भाई के पास, मतलब उनकी फैमिली में जब शादी हुई उनकी बेटियों बेटी की, बड़ी बेटी की, तो मैं गई, अपने बच्चों को भी मैं साथ लेके गई, तो मेरे हस्बैंड नहीं गए, उनको यहाँ काम था, तो मैं गई। मैंने विक्रम का हाल पूछा, पता चला कि उसको कैंसर है, पेट का कैंसर है। और उसकी वाइफ के बारे में मैंने पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि इसका जब मतलब उसको बच्चा नहीं होता था तो इसका डिवोर्स हो गया। तो अब जो मतलब मेरे को बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि जो विक्रम था ना वो अपनी बहनों का एक ही भाई था और बहुत प्रॉपर्टी थी उनके पास, तो प्रॉपर्टी के कारण तो इन लोगों ने मेरी शादी होने नहीं दी कि हाँ इसके जया के पास सब कुछ आ जाएगा तो अकेली मालकिन बन जाएगी। पर मैंने उस समय ये सब बातें सोची नहीं थी, क्योंकि छोटी उम्र थी ना मेरी, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि उसको ऐसे ऐसे हुआ। फिर उसकी सारी स्टोरी मुझे पता चली, जो उसकी वाइफ थी जो उससे बड़ी थी उम्र में, वो कभी भी ज़्यादा दिनों तक अपने ससुराल में नहीं रहती थी, वो बार बार अपने घर जाती थी, कमाती थी भैया बहुत अच्छा कमाती थी, वो वकील थी। तो जब उसको बच्चा नहीं हुआ तो इन लोगों ने बच्चा अडॉप्ट करने की भी सोची, लेकिन उससे पहले इनका झगड़ा भी हुआ, उसके बाद डिवोर्स हो गया और विक्रम अपने घर में ही रहा अपने मम्मी डैडी के पास। विक्रम बड़ा भोला सा लड़का था, चुप रहने वाला था, तो चुप रहा, धीरे धीरे इसको पता नहीं कैसे कैंसर हो गया और अब वो उसको कैंसर ही था। तो मैं विक्रम से मैं मिलना चाहती थी, मैंने अपनी भाभी को बोला, मैंने कहा भाभी मैं उससे एक बार मिल सकती हूँ? मेरी भाभी कहती हाँ मैं मिलवा देती हूँ। तो कहती तू थोड़े दिन रुक जा इधर, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपने हस्बैंड को मैंने फ़ोन पे बता दिया, मैंने कहा मैं थोड़े दिन इधर रहूँगी, वो कहते कोई बात नहीं दो चार दिन रहना फिर जल्दी आ जाना, मैंने कहा ठीक है। शादी अटेंड करने के बाद में फिर हम लोग विक्रम के पास मिलने गए, उससे बेहद पतला हो गया था, उसके जो सर के बाल थे, अभी तो हम लोग सब 45-46 के ही थे, इतनी उम्र थी हम सबकी, लेकिन विक्रम का हाल बहुत बुरा था, उसके बाल एकदम सफ़ेद सारे हो चुके थे, मुंह पे इतना बुढ़ापा झलक रहा था और पतला हो गया था बहुत, मतलब वो अपने कैंसर की लास्ट स्टेज पर था। तो मैंने कहा आजकल तो कैंसर का इलाज है, कीमो वगैरह, कहते मैं करा रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अब तो उम्मीद है ना? उसने मुझे नाम ही सर हिलाया, कहता डॉक्टर कहता नहीं है, मैंने कहा कीमो में भी उम्मीद नहीं है? तो कहता वो माइनर कीमो मिल रही है ना मुझे, जिसमें पेशेंट की होप नहीं होती लेकिन फिर भी कीमो देते हैं जिससे बाल नहीं झड़ते। मैंने कहा अच्छा, वो बिल्कुल बहुत थोड़ी कीमो देते हैं पेशेंट को, वो भी पता नहीं क्यों देते हैं। मैंने कहा अच्छा, अब मुझे बड़ा दुख सा था, मैंने कहा कि बहुत कुछ बहुत सपने से देखे थे हम दोनों ने, काफ़ी समय हमने साथ बिताया था और वो इस दुनिया को छोड़ के अभी जा रहा था। तो मुझे उसने बस एक बात बोली थी, कहता वो जो तू पकौड़े बनाती थी ना बड़े अच्छे से, वो बना दे अमचूर डाल के। मैंने कहा ज़रूर, मैंने पूरी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए भी और सब बहुत लोगों के लिए मैंने बनाए, इनकी भी फैमिली के लिए बनाए, जहाँ मैं भाभी के पास आई हुई थी तो विक्रम को भी मैंने ढेर सारे पकौड़े बना के दिए, फिर मैंने उसको लस्सी भी बना के दी। थोड़े समय तक हम दोनों ने बातें बूते की, उस समय को याद किया, तो शायद ये जो समय था ना वो टाइम था, वो ऐसा ही टाइम था, शायद हम लोगों को अलग होना था, या किस्मत कह लो ना, किस्मत में नहीं थे एक दूसरे की। ये सोच के फिर अब मैंने अपना सामान बांधा, रो रही थी, मैंने बहुत रोई थी अपनी भाभी के पास कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब मेरा दिल एकदम भर चुका था, सब पता चल गया था कि ये किस्मत का ही खेल है। जितना मैं बोलती थी ना आई हेट टीयर्स, उतना ही मुझे रोना पड़ा था अपनी पूरी ज़िंदगी में। भाभी के भी पास आके मैं बहुत रोई कि विक्रम को ऐसा हो गया है, पर मैं कुछ कर नहीं सकती थी अब। तो आखिरी विदाई फिर मैंने विक्रम से ली, मैंने कहा पता नहीं अब कब आना होगा, तो कहता इसमें क्या है, कहता आ जाना, हो सकता है कहता जल्द आना हो, मैंने कहा जल्द आना, कहता अभी तुम जा रही हो सकता है मुझे जाना पड़े। मैं उसकी बात समझ गई थी लेकिन मैंने इग्नोर करी, मैं नहीं चाहती थी कि इस बात पे ज़्यादा बात हो, क्योंकि मुझे भी तकलीफ़ थी कहीं कि वो मतलब उसको ऐसी प्रॉब्लम है। बस मैंने अपना सामान बांधा और अपने बच्चे जितने मतलब एक दो बच्चों को लेके गई थी उन लोगों को, मैं कहा चलो वापस, अब बड़े भारी मन से मैं वापस आई। इधर जो थी, जब मैं अपने घर में आई मैंने अपने हस्बैंड को देखा, फ्रेश था मेरा हस्बैंड, मतलब उसको कोई बीमारी नहीं थी। मैंने सोचा शायद यही मेरी किस्मत में लिखा था कि ऐसा ही होना था,
किस्मत समझ के फिर मैंने मतलब अपने अंदर ही सोचती थी कि अब भूल ही जाऊँ तो अच्छा है, क्योंकि जो बात पहले थी इतने साल पहले, अब वो सच थोड़ा सब कुछ हो सकता था। कुछ ना कुछ होता है, कोई ना कोई बहाना आ जाता है सामने कि हाँ हम लोगों को ऐसा कुछ ना कुछ स्टेप उठाना पड़ता है। ये सब कुदरत ही होती है जो करती है, तो कुदरत की ही मैंने सोची थी कि हाँ जो हुआ है इनकी तरफ से ही हुआ है, अब मैं मतलब भूल जाऊंगी ये सब कुछ। धीरे धीरे मैं अपने बच्चों के साथ बहुत बिजी थी, एक दिन न्यूज़ आई कि विक्रम इस दुनिया में नहीं है। दुख तो मुझे बहुत हुआ, पर मुझे सब कुछ पहले से ही पता था, इसलिए मैं पहले से ही मतलब अपने आप को तैयार किया हुआ था, मैंने पहले से ही प्रिपेयर हुई हुई थी मैं। तो मैंने फ़ोन पे अपनी भाभी को अपना दुख थोड़ा सा जता दिया जैसे करते हैं। तो मुझे मेरे हस्बैंड कहते उधर हुआ, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा भी नहीं। तो मैं गई भी उनसे मिलने, पर मैं एकदम नहीं गई, मैं 2-3 महीने बाद ही गई भाभी से मिलने। फिर ऐसा था ना, अगर थोड़े दिनों बाद जाओ तो थोड़ी सी बात होती है मरने वगैरह वालों की, उसके बाद सारे खुश रहते हैं, इसीलिए मैं इतनी देर बाद गई थी। मैं नहीं चाहती थी इसकी ज़्यादा बात हो, क्योंकि उसकी भी रूह को तो कहीं तकलीफ़ होती कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, मतलब बहुत उस। मैं तो फिर भी अपने फैमिली में एडजस्ट होकर अपने बच्चों को पाला, अपने परिवार को मैंने इतना अच्छा मतलब सपोर्ट दिया, और मेरे हस्बैंड का भी मुझे प्यार मिला। लेकिन विक्रम अपनी फैमिली में एडजस्ट ही नहीं हो पाया, इस बात का मुझे दुख था, उसका फैमिली नहीं बन पाया और वो ऐसे ही चला गया इस दुनिया से। तो बस मेरी इतनी सी स्टोरी है, अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये स्टोरी जो है आपको पसंद आई होगी। आई होप जो अभी तक बने रहने के लिए आपका बड़ा धन्यवाद। आई होप जो आपकी सराउंडिंग्स है हमेशा लव वंस से भरी रहे, आपके जो लव वंस है हमेशा आपके साथ रहे, आपके नियर वंस आपके डियर वंस हमेशा आपके साथ रहे, आपका सराउंडिंग्स जो है हमेशा प्यार भरी रहे और आपके ऊपर प्यार की बारिश हो। तो गॉड हमेशा आपको अच्छी अच्छी चीज़ों से ब्लेस करता रहे। दोस्तों अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।